بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم How are you students? I hope all of you will be fine. Today we shall read English. Our topic is cat. जी बच्चों कभी आपने cat देखी? बिल्कुल देखी. कौन सा color पसंद है? घर में है. चलें जी आज हम reading के बारे में करते हैं. हम reading करेंगे तो पता चलेगा आपकी cat में और इस cat में हम पढ़ेंगे. इसमें क्या resemble है और क्या changes है. ठीक है. सबसे पहले अगर वर्ड मीनिंग की तरफ आ जाए जॉन्स जमाई टर मोड़ना स्ट्रेच फिराना आर्ट्स उभारना जास जबड़े केयर ख्याल. नो प्लीज ओपन योर बुक पेज नंबर 48. जी बच्चों ओपन बुक कर लीजिए. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Have you ever watched a cat sleeping? कभी आपने बिल्ली को जो है सोते देखा? किस किस ने देखा? ठीक है जी. ओके कितने लोगों ने देख लिया. What does it do when it wakes up? वो क्या करती है जब वो उठे. Take a step by step through the room and made by the cat. It's almost like a film. यानी कि जो सा पॉइंट है वो किसे कहते हैं शायर को जो नज़म लिखता है. ठीक है. वो स्टेप स्टेप जो है उसकी मूवमेंट उसकी क्या करती है क्या नहीं करती उसके बारे में बता रहा है. ऐसे बता रहा है जैसे कोई फिल्म हो उस तरह से. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कैट देखते हो कैट कहाँ जा रही है क्या नहीं करी जो है कोई भी सेम ऐसे स्टेप बताता है. जी का अच्छा एक और चीज दो पॉइंट की जो कैट है ना उसका कलर ब्लैक है और आपकी कलर का कौन सा है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ब्लैक कैट करती क्या है. The black cat yawns open her jaw. जो जी ब्लैक कैट जमाई लेती है और क्या करती है अपने जबड़े खोलती है. Stretch her legs and show her claws. वो क्या करती है अपनी आंखें जो फैलाती है खींचती है and show her claws और अपने जो से पंजे जो से है वो दिखाती है. ठीक हो गए बच्चों. Then she gets up. फिर वो उठ जाती है and stand on her and stand on four long stiff legs. अब वो खड़ी हो जाती है अपनी चार जो सी है टांगों पर जो उसको लड़ाती है. ठीक है. एंड यून सम मोर उसके बाद फिर और ज्यादा जमाई लेती है. शी शोज हर शार्प टीथ. वो अपने तेज दांत दिखाती है. शी स्ट्रेस हर लिप्स. वो अपने लिप्स को फैलाती है. हर स्लाइस ऑफ टंग टर्न अप एट द टिप. और वो जुबान को ऐसे करती है स्लाइस की तरह की जो है वो ऊपर टिप की तरफ मोड़ लेती है. टर्न का मतलब क्या होता है मोड़ना. ठीक है बेटे टर्न मोड़ना. लिफ्टिंग हरसेल्फ वो खुद को उठाती है ऑन हर डेलिकेट टोज अपने जो से नाजुक से डेलिकेट कहते हैं नाजुक अंगूठों पर and arches her back as high as it goes and arches her back as high as it goes और वो खुद को उभारती है जितना वो कर सकती है. she lets herself down वो खुद को भी नीचे कर देती है with a particular care बहुत ज्यादा ख्याल के साथ and pads away with her tail in the एयर. और फिर क्या वो क्या करती है अपने जो है पांव को आगे करते हुए और हवा में दुम को हिलाते हुए वो चलना शुरू कर जाती है विद हर टेल इन द एयर. और उसकी टेल कहाँ होती है हवा में. ठीक है बच्चों आज हमने कैट के बारे में पढ़ा कैट की सारी एक्टिविटी के बारे में पढ़ा. जब वो क्या उठती है तो क्या करती है जमाई लेती है. जमाई लेने के बाद क्या करती है अपने जबड़ों को क्या करती है खोलती है और अपनी टांगों को क्या कहती है फैलाती है. ठीक है. और फिर अपने क्या अपने क्लास अपने पंजे जो उसके पंजे हैं वो दिखाती है. वो उठती है और अपनी जो सी है लेग को अकड़ा लेती है सख्त कर लेती है. ठीक है. फिर वो अपने क्या करती है अपने दांत दिखाती है. दांत बेटा बहुत तेज है ख्याल से रहिए. ठीक है. उसके बाद वो अपने लिप्स को उसको अकड़ाती है और उसके बाद क्या करती है और अपनी जुबान को जो टिप ऊपर की तरफ देके चली जाती है. अपनी बॉडी को वो उठाती है और अपने अंगूठे को क्या करती है वो डेलिकेट क्या करती है अपने अंगूठों को ऑन हर डेलिकेट टोस अपने अंगूठों को ऊपर की तरफ करती है.
सकती है, ठीक है, अपने बॉडी को उभारती है इतना जितना वो कर सके। उसके आखिर में क्या बताया गया है, इसके बाद वो खुद बहुत खास ख्याल के साथ उनको नीचे करती है और पाँव को आहिस्ता आहिस्ता आगे करती है और क्या करती है, अपनी दुम को हवा में ले जाके लेके जाती है। ठीक है बेटे, आज हमने कैट के बारे में पढ़ा। बेटे आपको देर पर रीडिंग कीजिए, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसका सोल्व वर्क आपको पीडीएफ में मिल जाएगा।